भारतीय कप्तान विराट कोहली और ऑस्ट्रेलिया कप्तान टिम पेन सोमवार को दोनों टीमों के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन पर शाब्दिक चकमक में उलझते दिखे, जिसके बाद मैदानी अंपायर क्रिस गैफ्नी ने दोनों खिलाड़ियों को सुबह के सत्र में चेतावनी दे दी। जसप्रीत बुमराह के 71वें ओवर के दौरान दोनों कप्तान एक दूसरे को कुछ कहते दिखे। कोहली इस समय गेंदबाजी छोड़कर समीप क्षेत्ररक्षण कर रहे थे। गैफ्नी ने इसके बाद हस्तक्षेप किया। पेन ने कोहली को कहा, तुम वह व्यक्ति हो जो कल हार गया था, तुम आज शांत बनने का प्रयास क्यों कर रहे हो। कोहली ने इसके बाद कुछ कहा जिसे माइक्रोफोन पर सुना ही नहीं जा सका। कुछ गेंद बाद दोनों एक बार फिर से एक दूसरे से सीना टकराने के करीब पहुंच गए थे। जब पेन रन पूरा करने पहुंचे थे तब कोहली उनके सामने आ गए। कोहली को इसके बाद स्वैगर लेग अंपायर कुमार धर्मसेना के सामने अपना पक्ष रखने के देखा गया। पूरा टेस्ट गेंदबाज डेनियल फ्लेमिंग ने एक वेबसाइट से कहा, मुझे लगता है कि यह संकेत है कि कोहली ने अपना धैर्य खोना शुरू कर दिया है। भारतीय कमेंटेटर संजय मांद्रेकर ने भी कोहली के बर्ताव से खुश नहीं दिखे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तानों के रिकी पोंटिंग और माइकल क्रार्क ने हालांकि कहा कि दोनों कप्तानों के बीच शब्दों में आदान प्रदान उन्हें कोई परेशानी नहीं है, तो अब तक सीमा नहीं लांघी है। जहीर न्यूज़ की रिपोर्ट।